सब टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा 2008 से ही दर्शकों के दिल पर राज कर रहा है। इसमें अब तक कई सितारे बदल चुके हैं, लेकिन जेठालाल के दिल पर राज करने वाली बबीता जी यानी कि मुनमुन दत्ता 2008 से ही शो में जुड़ी हुई हैं। मुनमुन दत्ता शो में एक बंगाली महिला का रोल प्ले कर रही हैं। शो में वह काफ़ी मॉडल है, लेकिन असल लाइफ में मुनमुन कैसी है आज हम आपको लाइफ स्टाइल बताने जा रहे हैं। मुनमुन दत्ता का जन्म 28 सितंबर 1987 को दुर्गापुर बंगाल में हुआ था। उनके माता पिता दोनों ही पेशे से सिंगर थे। मुनमुन के एजुकेशन कानपुर में ऑक्सफोर्ड मॉडल स्कूल में पूरा हुआ था। कॉलेज मुंबई यूनिवर्सिटी से किया था। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश की पढ़ाई की है। उनके माता पिता सिंगर थे, लेकिन 2018 में उनके पिता की मौत हो गई। वो मुंबई में अपनी माँ के साथ रहती हैं। तो ये तो हो गई उनकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब जानते हैं कुछ इंटरेस्टिंग बातों के बारे में। मुनमुन दत्ता को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था और वो अपने स्कूल के दिनों में होने वाले नाटकों में हिस्सा लिया करती थी। मुनमुन दत्ता कॉलेज के दिनों में मॉडलिंग करने लगी थी और इसी दौरान 2004 में मुनमुन दत्ता को पहला ब्रेक मिला हम सब बराती शो से, जिसमें मुनमुन दत्ता ने मीठी का किरदार निभाया था। लेकिन यहाँ उन्हें कुछ खास पहचान नहीं मिली थी, जिसके बाद उन्होंने बॉलीवुड की तरफ रुख लिया था। मुनमुन दत्ता को बॉलीवुड में पहला ब्रेक मिला था 2005 में आई फिल्म मुनमुन एक्सप्रेस में, लेकिन ये फिल्म नहीं चली। फिर इसके बाद उन्होंने 2006 हॉलीडे की, लेकिन मुनमुन को अभी भी कुछ खास पहचान नहीं मिली। 2006 के बाद मुनमुन 2 साल तक अच्छे रोल के लिए इंतज़ार करती रहीं, पर 2008 में उनका टर्निंग पॉइंट आया। मुनमुन को सब टीवी पर शुरू हो रहे शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बबीता अय्यर का रोल मिला, जो कि मुनमुन के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी साबित हुई। मुनमुन को सफ़ेद, काला और नीला रंग बेहद पसंद है। मुनमुन के कार कलेक्शन की बात करें तो उनके पास हर तरह की कार है। इनावा क्रिस्ट है जो कि 24 लाख रुपए की है, तो वहीं उनके पास शिफ्ट डिज़ायर है जिसकी कीमत 9 लाख रुपए है। मुनमुन काफ़ी रिजर्व पर्सन है। वो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करती हैं, इसलिए उनकी फैमिली के बारे में किसी को कुछ खास जानकारी नहीं है। बबीता जी के बारे में और जानकारी के लिए हमारे पास 2 को देखें।